था, विषय यह था कि धनुष तोड़ने वाले का नाम परशुराम जी के सामने आया। धनुष तोड़ने वाले का नाम परशुराम जी के सामने आया, और अगर इन्होंने नाम जय जयकार को सुन लिया होता तो जब वो नाम आया था तो उस व्यक्ति को तत्काल पकड़ लिया होता कि तोड़ने वाला यही है। इसे समझना जरा, परिचय की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर नाम जानकारी में होता तो नहीं था तो फड़फड़ा रहे हो। चूक किसकी होगी? आप हमारी नहीं, कोई बच्चे हैं, होता है। आप अपनी गंभीरता को छोड़ो, ठीक है? घबराने का अर्थ हमारे बच्चों की भाषा में ले हो, अच्छी बात है ना, ये क्या बात है। इसीलिए तो आप हमको अच्छे लगते कि अच्छी स्वीकार कर लेते हो, और हम तो कहते हैं ईमानदारी से कि हाथ हमें खंजर नहीं, यदि आजकल विक्रम गड़ा हुआ हाथ हमें खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। अरे प्रभु दुश्मन भी हमको खान लानी चाहिए। वाह वाह, धोखा न दे, ईमानदारी की लड़ाई लड़े। और आप परशुराम जी महाराज ने तो धोखा देने का कभी काम कर दिया, क्यों? कि मेरी बात मजबूत बन जाए। आप जैसे व्यक्ति को ध्यान देना हमारी बात का, आप जैसे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता कि धर्म मंच से बेईमानी करके निकल जाओ। कष्ट है हमें आने आपसे इस बात पर, आप ईमानदारी में कष्ट है। मैंने कहा था कि धनुष ने भगवान शंकर के साथ विश्वासघात किया, भगवान शंकर का अपमान हुआ, तो इन्होंने कहा कि अगर भगवान शंकर का अपमान हुआ होता तो धनुष की दिव्यता नष्ट हो गई होती। और बोले ये दिव्य है, और एक श्लोक उन्होंने पढ़ा जिसे पूरा नहीं पढ़ा, जहां तक इनका बल जाए वहां तक पढ़ा। क्या पढ़ा? इदम 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 धनुर्वरम दिव्यम। ध्यान दें आपके शुद्ध श्रोता, और ईमानदारी ये है कि परशुराम जी महाराज अपने हृदय में झांक करके देखें क्या इस श्लोक में दिव्य शब्द का प्रयोग भी है। समझना जरा, क्या इस श्लोक में दिव्य शब्द का प्रयोग भी है? नहीं है। लेकिन बात बन जाए तो क्या ये करोगे? मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, आपने तीन शब्द पढ़े हैं, इदम धनुर्वरम दिव्यम, और ईमानदारी ये है यहां दिव्य शब्द का प्रयोग ही नहीं है। लेकिन बच्चा है, लड़का है सामने, चाहे जम पाओ निकल जाओ लोगों को जय जय। समझना जरा बात, क्या बताएं हम? चलिए कोई बात नहीं, तुम जो करो तुम्हें सब छा जाओ, लेकिन मैं एक परामर्श दूंगा, धर्म मंच से अगर अनुचित किया जाता है, नहीं अनुचित ये मैं कहूँ तो हो रहा है, मेरे आधा से अधिक हो रहा है सामने, नहीं छोड़ो ना, छोड़ो तो इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृहानी पाणिना, एक श्लोक ये है। इदम धनुर्वरम राजन पूजितम सर्वराजभिः, एक श्लोक ये है। वाल्मीकि रामायण के दोनों श्लोक हैं। एक श्लोक है इमे, जिनमें तीनों में प्रयोग है। एक है इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोकात् पूजते। हमको जांचने के पहले स्वयं को जांच लेना, आरोप तो बड़े तगड़े तगड़े लगा रहे हो, लेकिन ये कहना कि परशुराम जी जो है अपनी बात को हो, हमें जांचो ना, नहीं हम बीच में इसलिए बोलेंगे। एकदम धनुर्वरम या तो तुम्हारे स्मरण में नहीं है, एकदम
क्या शब्द है मंगलिया का वाल्मीकि रामायण देख लो। हाँ, हाँ, हम तो चुनौती सीधी स्वीकार करते ही है और देते भी है सीधी। इदं धनुर्वरम राजन संस्पृहानि पाणिना, ये कब कहा गया ये भी मैं बता सकता हूँ। और इदं धनुर्वरम राजन पूजितम सर्वराज भी, ये कब कहा गया ये भी बता सकता हूँ। और इमेत में धन से श्रेष्ठ दिव्य लोकाद पूजते दृढ़े पर्वती मुख्य शुक्र से भी शुक्र बना। मैं अगर जांचने की बात आप करते हो, हाँ, तो मैं आपको जांचता नहीं हूँ और ईश्वर से कभी नहीं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे बड़ों को जांचना पड़े। जांचो लेकिन ईमानदारी से जांचो, आरोप लगाकर नहीं। आपकी वार्ता ही आपको हल्का कर रही है। नहीं नहीं, हमें नहीं चला, हम हल्के कहाँ होने वाले, हम हल्के कैसे होंगे। आपकी वार्ता, चलो चलो मैं अपने क्रम में आता हूँ। आपका की श्लोक दूसरा है, जो द्वारा आपने भी पढ़ा है तो दोनों में विराजन शब्द का प्रयोग कर दो पढ़े। इसलिए पहले तो पढ़े तो पढ़े तीन है, ठीक है। आगे बराबर आइए, एक जैसे दो श्लोक है वाल्मीकि रामायण में। इदम इदम आपने कहा जांचो, ठीक है। इदम धनुर्वरम राजन संस्पृहानि पाणिना, ठीक है ये। और इदं धनुर्वरं दिव्यं पूजितं सर्वराज भी, ये भी श्लोक है। और इमे द्वे धनुषि श्रेष्ठे दिव्ये लोकादि पूजते, ये भी श्लोक है। हाँ, तुम बिल्कुल गलत। नहीं, हम बिल्कुल सही है। इन्होंने फिर पढ़ा इदं धनुर्वरं दिव्यं पूजितं सर्वराज भी, ये सही है ना। सही है, यही गलत। इदम धनुर्वरम सही तुम पढ़ो। इदम धनुर्वरम दिव्यं पूजितं सर्वराज भी, ये गलत है। सही क्या है? इदम धनुर्वरम राजन पूजितं सर्वराज। अब इसको देख लेना तुम अपने स्तर से। नहीं नहीं, देख लेना, हमने दोनों पढ़े हैं। क्षण को कोई मतलब नहीं, निवेदन है तो ठीक है, लेकिन इसका कोई दोनों श्लोक है। हो सकता है कि श्लोक तुम्हारी जानकारी में ना हो, इसलिए मैंने तीन श्लोक पढ़े। और तीन में, और तीन में दो श्लोकों में दिव्य शब्द का प्रयोग है। ध्यान देना, एक में राजन शब्द का प्रयोग है। जब नहीं, हम बता रहे हैं राम लक्ष्मण को जब इस धनुष का परिचय राजा जनक के मंत्री के द्वारा दिया गया है, वाल्मीकि रामायण के द्वारा किसको दिया गया? राम लक्ष्मण को जब इस धनुष का परिचय दिया गया राजा जनक के मंत्री के द्वारा, तब का ये श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। हमने स्थान भी बता दिया है ना, एक बार। हालांकि हालांकि इस संवाद से कोई तब तो नहीं निकलना, इसी में हम पड़े रहेंगे कि क्या सही क्या गलत है। लेकिन हमारा जो बिंदु है उसको नहीं छू रहे हो। हम जो का जो मूल आधार है बिंदु का, वो तुमने छोड़ दिया। हम बिंदु का मूल आधार ये था कि अगर भगवान शंकर का अपमान इस धनुष के द्वारा हुआ तो ये दिव्य क्यों बना रहा, इसकी पूजा क्यों हुई। तर्क ये था, ध्यान देना। तर्क ये नहीं है कि श्लोक सही है कि श्लोक गलत है, कौन सा सब भाई, एक जैसे कई श्लोक हैं रामायण में और प्रसंग भी कई हैं, ध्यान देना। हाँ, मेरी ये भावना है, हम सबकी ये भावना है कि छोटी छोटी बात में प्रतिष्ठा न लगाई जाए और शास्त्रार्थ बढ़िया हो। हम सब इससे कोई निर्णय नहीं मिलना कि राजन है कि दिव्य है, और हमारी विजय जय तुम्हारी विजय जय। श्लोक दोनों का हमारे न तुम्हारे सत्य का वाचन हो, वही मतलब संवाद पर निश्चित करो। सबसे छोटी बात, मैं आपकी बात को ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, माध्यम सत्य का हो, तुम कहते ही ये हर बात में कहते हो, नहीं इसलिए झूठा आरोप न लगाओ। जैसे जैसे एकदम एक कटोरा तुम उठा करके पी गए, हमने परिचय शब्द का प्रयोग है नहीं किया। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अभी जो बोया वो काट लो। नहीं, हमने क्या बोया है, देखिए कम हमारा है,
भाषा अपनी समझो ये फड़फड़ा रहे हो, ये किसी इन्हीं शब्दकोशों से हमें आपत्ति, इनका प्रयोग न करो चाहे कितनी अच्छी करो, हम छोड़ रहे हैं ऐसा नहीं है। तो सामान्य शब्दों का प्रयोग करते हुए हमारी आवाज से तेज तुम्हारी आवाज बनुआ कभी हो ही नहीं सकती है। हाँ ये ध्यान रखो, हमसे यदि ऊर्जा छोटी लगा पाओगे, चाहे नक से छोटी तक का जोर लगाओ, तो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग फड़फड़ा रहे हो, ये क्या है? मैंने तत्काल नहीं, तत्काल नहीं, ये गाना परिचय भाषा भी नहीं है, क्योंकि बीच में नहीं इसलिए बोल रहे हैं। ये फड़फड़ाना क्या है समझ रहे? मर्यादित मंच पर खड़े होकर के रामलीला के मंच पर खड़े हो और फिर कहते हो परशुराम जी फड़फड़ा रहे हैं, समझो जरा, और हमें उल्टा ज्ञान दे रहा है कि अपनी बात बनाने के लिए धर्म का माध्यम ये फड़फड़ाना धर्म है। परशुराम जी फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे परिवार में यह दोष है कि तुम्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ही है। परशुराम जी फड़फड़ा रहे हैं, ये तुम्हारा शब्दकोश है, तो ऐसा प्रयोग न करो जो तुम्हारी मर्यादा को गिरावे। हमारी नहीं गिरेगी वो बुआ, हमारी जो बन चुकी वो बन चुकी, अपनी बनाओ ना, हमारी के चक्कर में न पड़ो, अपनी बनाओ। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो, मूड़ में करो, मूढ़ार्थ में संवाद करो, अच्छी बात को हम नहीं मानेंगे, लोग मान लेंगे, लोग कहेंगे कि भाई लक्ष्मण की बात सही है, अरे उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शब्द समन्वय, हमारी प्रस्तुति में कोई भी शब्द ऐसा नहीं निकला जिससे जो ऐसे शब्दों का संचय जिसमें हो, लक्ष्मण बड़बड़ा रहा है, लक्ष्मण फड़फड़ा रहा है, ये शब्द नहीं निकले, इनको सुधार लो, हम बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है? ये हमारा वचन है कि अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे तो हम बीच में जरूर बोलेंगे, लेकिन अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे तो हमसे ज्यादा धैर्यशाली बन के कोई तुम्हें सुनेगा भी नहीं, हम सुनेंगे, अपने क्रम में बोलेंगे, लेकिन शब्द समन्वय उचित हो, संवादानुकूल हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, हम बड़ी धैर्यता से सुनेंगे, लेकिन शब्द को समला हुआ हो, अपने आधार पर, अपने चरित्र के आधार पर शब्दों का प्रयोग करिए। मैं अपने आप को यहीं रोके लेता हूँ। पहली बात जो फड़फड़ाना शब्द मैंने कहा था, तो मैंने तो क्या, बच्चे हैं निकल गया, आपको स्वीकार कर लो, बात वही, ठीक है ना, यहाँ जोर देने की आवश्यकता, जब निकला बच्चे हैं निकल गया, लेकिन तुमसे निकला नहीं है, तुम अभी भी टिके हो, ध्यान देना, जीवन में अगर रास्ते में चलते चलते अचानक कीचड़ हमारे ऊपर आ जाए तो हमारा एक कर्तव्य बनता है उसे हम तत्काल धो दे, साफ हो जाएगा, लेकिन कीचड़ अगर लगा रहा तो कीचड़ तो धुल जाएगा लेकिन दाग धुलने वाला नहीं है, सही बात, तुमने गड़बड़ ये हुआ कि तुमने प्रयोग कर दिया, और पहले यही है वाल्मीकि बुला लीजिए, मैं दिखा दूंगा, अभी आ गया, ये नहीं हम बता रहे हैं, इन्होंने कहा कि राजा जनक ने के सेवकों ने राम लक्ष्मण को परिचय कराया, ये भी गलत, ध्यान देना जरा, थोड़ा अलग है, और लखन हो अलग ना हो ये हो नहीं सकता है, संवाद अलग है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि राजा जनक के मंत्रियों ने राम लक्ष्मण को परिचय कराया, ये भी गलत, राजा जनक के मंत्रियों ने राम लक्ष्मण को परिचय नहीं कराया, राजा जनक के मंत्रियों ने राजा जनक से कहा, ध्यान देना, और यहां दिव्य शब्द का प्रयोग नहीं है, प्रयोग है राजन, इदम धनुर्वरम राजन, राजन माने राजा जनक, पूजितम सर्व राजवीर, अब यहां पूजितम एक शब्द आया है, तो पूजितम माने क्या, पूजा मंडो, ध्यान देना, क्या पूजितम माने पूजा, तो मेरा कहना है यहाँ पूजितम शब्द का अर्थ पूजा से नहीं है, यहाँ पूजितम शब्द का अर्थ सम्मान से,
सभी राजाओं के द्वारा सम्मानित, ठीक है, नाम सतानि पंचादश व्यायता नाम महात्राम मंजूषाम अष्टचक्राम ताम समूह हस्ते प्रतंजन। सही आप पढ़ो, ठीक है, अब चलिए। इन्होंने कहा मैं बता दूंगा, मैं बता रहा हूं। श्लोक संख्या 6 जो आप पढ़ रहे हो देख लिया जाए, श्लोक संख्या 6 सर्ग, अगर तुमको मालूम हो तो ठीक, नहीं ना मालूम हो हम बता देंगे। वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बाल कांड श्लोक संख्या 6 शब्द तुम्हारा गलत, चलो जल्दी प्रयोग इसके लिए सुधार किया जाए। चलो जरा अब आ रहा हूं बिंदु पर, क्या कहा इन्होंने कहा, चलिए धारा से जुड़ रहे। इन्होंने कहा कि रूप बेटी को देखकर या नारी को देखकर, ठीक है, नहीं जाना गया, या तो भाल की रेखाएं देखी गई और या तो हाथ की रेखाएं देखी गई। जरा ध्यान दिया जाए, जिस समय सती जी सी, और इन्होंने सती चरित्र भा लिया है, इन्होंने सती चरित्र भाया है, तो मैं उसी में आ रहा हूं, जहां जाओ वहीं मिलूंगा। जिस समय सती जी सीता जी का रूप बनाकर राम जी के सामने गए, तो राम जी ने हाथ देखा था कि भाव देखा था? देख ले उसकी, अरे क्या बात है, कम से कम आप अपना ध्यान तो रखें। चलो हटा दे उसको, हम नारद जी ने विश्व मोहिनी का हाथ देखा था कि भाव देखा था? अब तो नारायण नहीं है, ऐसी बात है, आप लोग कहो तो मुझे मुझे मेरा आप लोगों पर भी गर्व है, कम से कम ये बात आपके संज्ञान में है और आप मेरा काम छोड़ो, ठीक है। तो नारद जी ने विश्व मोहिनी का हाथ देखा था कि भाव देखा था? हाथ नहीं देखा, क्या देखा? रूप देखा, रूप देखा, क्या देखा? रूप, रूप देखा। और जब रूप देखा तो जान गए पति कैसा है, कौन है, तो परशुराम जी महाराज का है नहीं जानता। अगर जान गए होते तो पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान देना जरा, अब एक निकट तर्क आया है जो बड़ा मजबूत लग रहा थोड़ा सा, ये तो दिव्यम राजन के चक्कर में हमारा आपका हो गया, नहीं होना चाहिए था, ठीक है। क्या क्या कहा कि जो शंकर का अपमान करता है उसकी पूजा नहीं होती है, वहां पूजा का पूजा से नहीं है, पूजा का सम्मान से है, उसका सम्मान नहीं होता, ठीक है। तो सती जी ने शंकर जी के साथ विश्वासघात किया, सती जी ने शंकर जी के साथ विश्वासघात किया, तो क्या सती जी का सम्मान बंद हो गया? भार्गव परशुराम जी और श्री लखनलाल जी के मध्य बड़ा ही रोचक संवाद का क्रम चल रहा है। हमारे महेश चंद्र शर्मा जी फर्नीचर वाले जो हमारे संजय गांधी नगर के ही निवासी हैं और हनुमंत विहार गोविंद पुलिया के सन्निकट इनकी दुकान है, हमारे महेश चंद्र शर्मा जी के सुपुत्र हैं सोनू शर्मा जी, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं परशुराम जी और 51 पत्र मुद्राएं श्री लखनलाल जी की प्रस्तुति पर प्रदान की गई हैं। हमारे प्रकाश आइसक्रीम के प्रोपाइटर अरविंद गुप्ता जी और हमारे क्षेत्रीय पार्षद पंकज सजा जी की ओर से 51 पत्र मुद्राएं दोनों विभूतियों के लिए प्रदान की गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ना क्षमा कर, तुम हमारे पैर छू करके ये कहो कि हमारे अंक ज्यादा बन जाएं इसलिए आप केवल सुनो, तो हम तुम्हारा एक भी प्रश्न का सार्थक उत्तर नहीं देंगे,
और ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं तुम प्रतिष्ठा लगा करके खड़े हो, तुम विजयी हो जाओ। नहीं, अब सुन लो, अब सुनो, बहुत थोड़ा बोलेंगे लेकिन सत्यता ये है कि तुमने एक भी बिंदु मेरा नहीं छुआ है, एक भी बिंदु। तर्क ये नहीं था कि वहां राजन शब्द का प्रयोग है कि दिव्य शब्द का प्रयोग है, तर्क ये था